एटवुड मशीन है, दोनों तरफ ब्लॉक मास दिए 3m और m, राइट। आपको एक्सीलरेशन बताना है दोनों ब्लॉक का, देन एक तो एक्सीलरेशन, दूसरा टेंशन। किसमें टेंशन? एक तो इस स्ट्रिंग में, इस स्ट्रिंग को मैं ए कह रहा हूं और दूसरी स्ट्रिंग बी यहां पर है। ये जो स्ट्रिंग है ये इसको रूफ से कनेक्ट कर रही है, पुली के सेंटर को, ठीक है। तो टेंशन इन स्ट्रिंग ए एंड बी, दोनों में कितना टेंशन होगा ये बताना है, ठीक है। एक्सीलरेशन और टेंशन, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं पहले। इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं मैं, देखो इस स्ट्रिंग में टेंशन मैं टी ले लेता हूं क्योंकि पुली लाइट है और स्मूथ है और थ्रेड भी लाइट है, तो इस केस में इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा, दैट इज टी। यस, इस ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है, इसका वेट एम जी और टेंशन टी ऊपर की तरफ। किस तरफ एक्सीलरेशन होगा? ये हैवी ब्लॉक नीचे आएगा और ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, राइट। और दोनों का एक्सीलरेशन सेम होना चाहिए, मैंने एक्सीलरेशन ए ले लिया, इसका एक्सीलरेशन ऊपर है ए। इस पर न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करो, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो नेट फोर्स किस तरफ निकालते हैं? जिस तरफ एक्सीलरेशन हो रहा हो, तो ऊपर एक्सीलरेशन है तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स कितना होगा? टी एम जी से ज्यादा है, तो जितना एक्सेस फोर्स होगा वो उसी के कारण एक्सीलरेशन होगा। तो टी माइनस एम जी, ये नेट फोर्स इस पर ऊपर लग रहा है, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। इसी तरह से इस ब्लॉक के लिए एफ बी डी बनाए, इस पर फोर्स लग रहा है, इसका वेट 3mg, टेंशन टी ऊपर और नीचे एक्सीलरेट कर रहा है, राइट। तो इस पर न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे, इस पर लगने वाला नेट फोर्स किधर एक्ट कर रहा है? नीचे, तो नीचे कितना फोर्स होगा इस पर? 3mg माइनस टी, दैट इज नेट फोर्स इज इक्वल टू मास 3m इनटू एक्सीलरेशन। तो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व कर लो, दोनों को ऐड करोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, दैट इज जी बाय टू, जी बाय टू इज एक्सेलरेशन एंड टेंशन। यहां पर रख दो जी बाय टू, उस केस में टेंशन आ जाएगा 3m जी बाय टू। तो स्ट्रिंग ए में टेंशन कितना आ गया? 3m g by 2। अब स्ट्रिंग बी में हमें टेंशन निकालना है, राइट। तो उसको समझ लेते हैं, जो पुली है पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, राइट। उस पर जो जो भी फोर्सेस लग रहे हैं याद करो, पहले एक बार मैंने बताया था आपको कि जब भी हम पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, उसके आसपास जो थ्रेड है उस थ्रेड का थोड़ा हिस्सा हम उसके साथ जोड़कर रखेंगे, राइट। तो एक तो स्ट्रिंग ए है जो उसके ऊपर से जा रही है, इस तरह से ऐसे जा रही है, तो स्ट्रिंग का इतना हिस्सा इसके साथ जुड़ा है, बाकी हमने अलग करके रख दिया, राइट। इसके अलावा एक स्ट्रिंग बी है जो इससे ऐसे जुड़ी है ऊपर की तरफ, एक उसका भी थोड़ा सा हिस्सा हमने इसके साथ जोड़ के रखा है, बाकी अलग कर दिया। जो भी स्ट्रिंग इसके ऊपर से गई है या इससे जुड़ी है उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा लिया हमने, राइट। अब सोचो इस स्ट्रिंग में टेंशन है, क्या डायरेक्शन होगी? सोचो, आपने स्ट्रिंग के पार्ट्स को अलग किया है, स्ट्रिंग नीचे भी है, नीचे भी पूरी स्ट्रिंग थी, आपने उसको अलग करके देखा, बिकॉज ऑफ टेंशन एटम्स दूर चले गए होंगे तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हुआ होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन, मतलब इस पर अट्रैक्शन नीचे लग रहा होगा और इस पर भी अट्रैक्शन नीचे, और वो फोर्स क्या?
टी और टी, टू टी, टू टी फोर्स स्ट्रिंग ए पर नीचे लगा रही है, इसको खींच रही है नीचे की तरफ, राइट। इसका कोई वेट है क्या? नहीं है, मासलेस है, लाइट है। अगर वेट होता तो उसको भी लेते। सीधी सी बात है, अगर स्ट्रिंग ए इस पुली को नीचे खींच रही है तो स्ट्रिंग बी इसको ऊपर खींचेगी विथ इक्वल फोर्स, अदरवाइज ये पुली नीचे गिर जाएगी। और ये रेस्ट पर है, इक्विलिब्रियम है, इसलिए इस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। क्योंकि पुली का मोशन नहीं है, पुली रेस्ट पर है, तो उस पर नेट फोर्स जीरो होगा। अब स्ट्रिंग बी की बात करें, उसका भी मैंने थोड़ा सा हिस्सा लिया, तो ऊपर वाले हिस्से से अलग किया, टेंशन के कारण वहां भी स्ट्रेचिंग होगी, एटम्स दूर जाएंगे, अट्रैक्शन होगा, तो इस एटम पे अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स ऊपर लगेगा। उसके अंदर मैंने टेंशन T1 ले लिया, तो सीधी सी बात है पुली पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स T1 की वैल्यू 2T के बराबर होना चाहिए, और 2T का मतलब कितना हो गया? 3 mg। ठीक है, तो जो पुली है उसके ऊपर जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग बी, उसमें टेंशन होगा 3 mg, और स्ट्रिंग ए में टेंशन होगा 3 mg/2। वेट का मेजरमेंट कैसे किया जाता है? ठीक है, तो वेइंग मशीन होती है जो वेट का मेजर करती है, राइट, वेट का मेजरमेंट लेती है। वो कैसे फंक्शन करती है और उसको मैं पिछले प्रॉब्लम से रिलेट करूंगा, राइट। समझना, दो तरह की वेइंग मशीन होती है, एक जिसके अंदर एक स्प्रिंग होता है, इसको हम एक हुक से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो ये स्केल है, वेइंग स्केल। अब यदि इसके साथ कोई ब्लॉक अटैच करें जिसका वेट मेजर करना है, ठीक है, तो इसका वेट जो है ब्लॉक को नीचे खींचेगा, और नीचे खींचने के कारण क्या होगा? ये जो स्प्रिंग है ये स्ट्रेच हो जाएगा। अब इस स्प्रिंग के साथ में यहां पर कोई मार्कर होगा या पॉइंटर होगा जो किससे अटैच्ड होगा, तो बिकॉज ऑफ वेट ये स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, तो ये जो मार्कर है ये भी नीचे आएगा, तो जिस मार्क के सामने आएगा वो उसका वेट हो जाएगा। शुरुआत जीरो से, जब आप ब्लॉक को रखोगे तो नीचे आ जाएगा, तो 1, 2, 3, 4 जिसके भी सामने आएगा ये उसके वेट को शो करेगा। बट रिमेंबर वन, एक्चुअल में जिसको हम वेट समझते हैं, ठीक है, पहली बात वो वेट मेजर नहीं कर रहा है, राइट, उसका जो रीडिंग शो हो रही है वो केजी में हो रही है, किलोग्राम में। आप समझो इस बात को कि इस तरह का जो स्केल होता है उसमें जो मार्कर पर जो यूनिट लिखी होती है वो होती है केजी, 2 kg, 3 kg, 4 kg, एंड केजी मीन्स मास। तो मास का मेजरमेंट किया है, तो किया क्या है समझना ध्यान से। इस ब्लॉक की बात करूं मैं, तो इस ब्लॉक पर कौन से फोर्स लग रहे होंगे? एक इसका वेट, वेट नीचे खींच रहा है, और दूसरा टेंशन लग रहा है। इक्विलिब्रियम में है ये ब्लॉक, रेस्ट पर है, तो टेंशन किसके बराबर होना चाहिए? mg के। और सीधी सी बात है कि जो टेंशन फोर्स है ये स्प्रिंग को नीचे पुल कर रहा है, तो जितना ज्यादा टेंशन होगा उतना ज्यादा स्प्रिंग नीचे आएगा और उतना मार्कर जो है नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, राइट। तो टेंशन जो है यहां की रीडिंग को डिसाइड कर रहा है, तो जितना ज्यादा टेंशन उतनी ज्यादा रीडिंग, और रीडिंग कैसे लिखी जाती है ये भी समझ लो। तो जो रीडिंग होती है दैट इज टेंशन डिवाइडेड बाय जी, जी से डिवाइड कर दो टेंशन को, तो जो भी मिलेगा वो रीडिंग होगी, समझ रहे हो ना। तो एक्चुअल में वो वेट का मेजरमेंट नहीं कर रहा है, मास का मेजरमेंट कर रहा है, इसलिए जो भी रीडिंग आती है वो केजी में आती है, मतलब जो टेंशन है उसमें जी से डिवाइड कर दिया, तो जो भी बचेगा, राइट, That is वो मास होगा, समझ रहे हो। तो इस तरह के स्केल में जो रीडिंग होती है दैट इज टेंशन डिवाइडेड बाय जी, टेंशन को जी से डिवाइड कर दो,
ठीक है। अब सोचो इसी प्रॉब्लम में अगर मैं इस ब्लॉक को नीचे की तरफ खींचता हूं विद एक्स्ट्रा फोर्स F, अगर नीचे खींचता हूं तो क्या होगा, तो रीडिंग बढ़ेगी या नहीं? डेफिनेटली खींचूंगा, एक्स्ट्रा फोर्स लगाऊंगा तो ब्लॉक नीचे आ जाएगा और अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम आएगा जिसमें टेंशन की वैल्यू बढ़ जाएगी। F फोर्स लगाने पर टेंशन की वैल्यू बढ़ेगी, टेंशन बढ़ेगा तो ये मार्कर भी नीचे आ जाएगा, तो अब नई रीडिंग क्या हो जाएगी, न्यू टेंशन जो नया टेंशन है डिवाइडेड बाय जी, ठीक है। तो आपने इसको नीचे खींचा तो टेंशन बढ़ा जिससे अल्टीमेटली यहाँ की रीडिंग भी चेंज हो गई। तो जो रीडिंग जो है पहली बात वो टेंशन डिवाइडेड बाय जी होता है, और नॉर्मल केस में जब आप उस पर कोई फोर्स वगैरह नहीं लगाते हो तो उस केस में एक ही फोर्स लग रहा है उसका वेट एम जी, और टी को अगर जी से डिवाइड कर दोगे तो बचेगा एम, तो वो मास को शो कर, ठीक है। जो भी हमारी रीडिंग होती है दैट इज मास, दैट इज नॉट वेट, पहली बात। और एक्चुअल में देखा जाए तो वो मास भी नहीं है, वो है टेंशन डिवाइडेड बाय जी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब आप इस पर एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हो तो रीडिंग बढ़ जाती है, तो रीडिंग बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपने उसका मास बढ़ा दिया, आपने वहां का फोर्स बढ़ा दिया है जिसके कारण टेंशन चेंज हो जाएगा। तो इस तरह की जो स्केल होती है राइट, उसका रीडिंग जो है दैट इज टेंशन डिवाइडेड बाय जी होता है, जिसको हम केजी में शो करते हैं। इसी टाइप का एक और स्केल होता है, बस उसमें डिफरेंस क्या समझना, उसको इस तरह से ग्राउंड पर रखा जाता है और उसमें जो स्प्रिंग है उसको इस तरह से लगाया हुआ है अंदर, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर आप कोई ब्लॉक को रखते हो जिसका वेट मेजरमेंट करना है तो क्या होगा बोलो, यह स्केल इस ब्लॉक का वेट मेजरमेंट करना है, उसको आपने उस पर रख दिया। आपने रेलवे स्टेशन बस स्टैंड वगैरह में इस तरह की मशीन देखी होगी, ठीक है, या क्लिनिक पे हॉस्पिटल में देखी होगी जहां पे वेट मेजरमेंट करते हैं, तो उस पर हम जाके खड़े होते हैं, उसी तरह से हमने इस ब्लॉक को रख दिया तो उसमें रीडिंग कैसे आती समझना। ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक इसका वेट और दूसरा है टेंशन, ठीक है। ब्लॉक पर वेट लग रहा है और टेंशन इक्विलिब्रियम में रेस्ट पर है, सॉरी एक तो इसका वेट लग रहा है और दूसरा ये जो स्केल है ये कॉन्टेक्ट फोर्स लगाएगा, नॉर्मल फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ राइट, बिकॉज ऑफ इक्विलिब्रियम एन की वैल्यू क्या होगी एम जी के बराबर। सीधी सी बात है जितना नॉर्मल फोर्स इस पर लगेगा उतना ही नॉर्मल फोर्स ये ब्लॉक भी स्प्रिंग वाली स्केल पर लगा रहा है, तो नॉर्मल फोर्स स्प्रिंग को दबा देगा, तो जितना ज्यादा स्प्रिंग दबेगा उतनी ज्यादा रीडिंग मिलेगी। स्प्रिंग के दबने पर जो सुई है वो घूमती है, निडल घूमती है और उतना ज्यादा वो रीडिंग को शो करती है, तो जितना ज्यादा उस पर दबाव पड़ेगा उतनी ज्यादा निडल घूमेगी, तो दबाव के पड़ने के कारण निडल घूम रही है या रीडिंग बढ़ रही है राइट। और वहां की रीडिंग को हम कैसे शो करते हैं, अगेन वो भी मास को शो करने के लिए बनी है, एंड नॉर्मल फोर्स इज वेट, तो एन को जी से डिवाइड कर दो तो जो भी मिलेगा वो वहां की रीडिंग होगी, तो केजी में आंसर आएगा। तो अगेन वो मास को शो करने के लिए बनाई गई है, बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि वो सिर्फ मास को शो नहीं कर रही है, एक्चुअल में देखा जाए तो वो किसको शो कर रही है, नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय जी। तो अगर आप इसके ऊपर से एक एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करते हो, इसको दबाते हो, तो उस केस में क्या होगा, इस पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा, ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा जिससे रीडिंग बढ़ जाएगी। तो आपने इसको दबाया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने मास बढ़ा दिया, आपने फोर्स बढ़ा दिया जिसके कारण रीडिंग बढ़ जाएगी। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम में, मैं अभी उस तरह की प्रॉब्लम ले रहा हूं, स्केल लगी है इस तरह की, चाहे टेंशन वाली स्केल जिसको रूप से सस्पेंड करके रखा था, या इस तरह की स्केल लगी हो, तो याद रखना रीडिंग का मतलब वहां पर क्या है, यहां पर नॉर्मल फोर्स और वहां पर टेंशन, और उसमें जी से डिवाइड कर दो तो वो उसकी रीडिंग होगी। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात है, जिस स्केल को आपने अर्थ के लिए डिजाइन किया,
जैसे आप मार्केट से ये स्केल लेके आ जाते और यहां पर आप अपना खुद का वेट लेते हो, मेजरमेंट करते हो, ठीक। मान लो रीडिंग आती है 60 kg, तो यहां के लिए डिजाइंड है 60 kg इज योर मास, दैट इज ओके। बट अगर आप मून पर जाते हो और मून पर इसी स्केल से अपना वेट का रीडिंग लेते हो तो क्या 60 kg मिलेगा? पहली बात, ये वेट नहीं शो कर रहा है, मास शो कर रहा है, क्योंकि मास के लिए डिजाइन किया गया है। समझ रहे हो ना इस चीज को? मास के लिए इस स्केल को डिजाइन किया गया, वेट के लिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट में जाते हो, अगर आपको 1 kg से शुगर चाहिए तो 1 kg शुगर का एक मास होता है, ठीक है, 1 kg का मास आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इस तरह से कोई फोर्स को बढ़ा दे और रीडिंग बढ़ा के बता दे आपको कि ये उतना 1 kg शुगर है, तो आप कन्विंस नहीं होगे, आपको मास दिखाना पड़ेगा 1 kg, राइट। 60 kg आपका मास है, इसी स्केल को लेके आप मून पर जाते हो और मून पर अगर आप रीडिंग लोगे तो क्या होगा? मून पर आपका वेट कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ लोअर वैल्यू ऑफ जी। तो वेट कम लगेगा तो फोर्स कम लगेगा स्केल पे, स्केल पर फोर्स कम लगेगा, एम कम होगा, ठीक है। तो उस केस में आपने जी से तो डिवाइड कर ही दिया, कहां के जी से? अर्थ के जी से, क्योंकि उसी के लिए डिजाइन किया गया। तो आपको जो रीडिंग मिलेगी वो कम मिलेगी, ठीक है। तो 60 kg हो सकता है वहां पे 10 kg मिले, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका मास 10 kg है, वो मास 10 kg जो है वो गलत शो कर रहा है, क्योंकि जो जी से डिवाइड कर रहे हो आप वो जी वहां का नहीं है, यहां का, राइट। तो यहां के लिए डिजाइन किया गया तो यहीं पर प्रॉपर रीडिंग मिलेगी। जब ये रेस्ट पर रहेगा तो रेस्ट के केस में ही प्रॉपर रीडिंग मिलेगी, राइट। अभी जो भी मैंने कहा ये बात आपको भी नेक्स्ट प्रॉब्लम में समझ में आएगी, ठीक है। प्रॉब्लम ये है ठीक है, बिल्कुल जो पिछला प्रॉब्लम था उसी को ले रहा हूं मैं। देखो सेम प्रॉब्लम है, इस तरह की एटवुड मशीन है, बिकॉज ऑफ वेट ये नीचे जाएगा, ये ऊपर की तरफ एक्सीलरेट होगा। अब हमने क्या किया, थ्रेड के अंदर स्केल को भी बांध के रखा है, स्केल ए और स्केल बी, बोथ द स्केल आर लाइट, जो स्केल है वो हल्की है, ठीक है, उसका कोई मास नहीं, उसका वेट नहीं है, राइट। उसको यहां पर अटैच कर दिया, सीधी सी बात है कि जो स्केल है जैसे ही एक्सेलरेट करेगा वैसे ही स्ट्रिंग में टेंशन आएगा, और स्ट्रिंग में अगर टेंशन आता है तो स्प्रिंग जो है वो खिंच जाएगा, जिसके कारण उसमें एक रीडिंग मिलेगी। तो आपको बताना है स्केल ए और स्केल बी दोनों में रीडिंग क्या होगी, फाइंड आउट रीडिंग इन स्केल ए एंड स्केल बी। प्रॉब्लम वही, याद करो मैंने एम लिया था और 3m, अब m की जगह 4 kg ले लिया, बस उतना ही है। सेम प्रॉब्लम, जो दोनों स्केल है वो लाइट है, उनके वेट को इग्नोर करना है, तो दोनों स्केल में रीडिंग क्या होगी ये बताना है आपको, ठीक है। देखो पिछली प्रॉब्लम में हम टेंशन निकाल चुके थे दोनों ही स्ट्रिंग में, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग में टेंशन है टी, दैट इज 3 mg/2 आयत, राइट। अब समझना,
आपने स्केल बी को इस स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट किया है, तो जो स्केल बी है उसमें जो टेंशन होगा वो ये स्ट्रिंग डिसाइड करेगी, राइट। अगर स्केल बी को मैं शो करूं यहां, इस पे टेंशन टी नीचे लग रहा है और टी ऊपर, तो यही टेंशन क्या कर रहा है, स्प्रिंग को खींच रहा है, और स्प्रिंग खींचेगा तो रीडिंग जो है वो बढ़ेगी, राइट। तो टी टेंशन यहां की रीडिंग डिसाइड करेगा, तो रीडिंग क्या होगी, टी बाय जी दैट इज 3m/2, और m की वैल्यू क्या है, 4 kg, राइट, 6 kg। तो जो आपका स्केल है वो 6 kg रीडिंग दिखाएगा, ठीक है। और इसकी बात करें तो इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, 2t है, दैट इज टेंशन, 2t का मतलब हो गया 3 mg। अगर उस स्केल को मैं शो करूं स्केल ए को, तो उस पर 2t फोर्स इधर लग रहा है और 2t नीचे, बिकॉज ऑफ दैट टेंशन उसकी रीडिंग जस्ट डबल होगी स्केल बी से, ठीक है ना। क्या होगी वहां की रीडिंग, जी से डिवाइड करो तो 2t बाय जी मतलब 3m, और 3m का मतलब हो गया 12 kg। तो यहां की रीडिंग आपको 12 kg मिलेगी और यहां की रीडिंग मिलेगी 6 kg, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह के स्केल में जो रीडिंग होती है दैट इज टेंशन डिवाइडेड बाय जी, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, दो ब्लॉक है 1 और 2, ठीक है, दोनों को स्ट्रिंग से कनेक्ट किया, स्ट्रिंग इज पासिंग थ्रू लाइट एंड स्मूथ पुली, ठीक है, पुली इज मासलेस एंड स्मूथ, थ्रेड भी मासलेस है, ये सरफेस स्मूथ है, स्मूथ सरफेस पर ये रखा है ब्लॉक 1 और 2, हवा में लटक रहा है, ठीक है। मास दिए हमें m1 इज 10 kg एंड m2 इज 5 kg, ये 5 kg का और ये 10 kg का है, ठीक है। आपको बताना है आउट एक्सीलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक, अगर मोशन हो रहा है तो इनका एक्सीलरेशन बताना है, देन टेंशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन क्या हो, एंड थर्ड फोर्स अप्लाइड by support on the pulley, ये जो support है ये support pulley पर कितना force लगा रहा होगा और किधर लगा रहा होगा ये बताना है, ठीक है, try करो। देखो पहले तो हम ये सोचते हैं क्या ऐसा नहीं कि ये 5 kg का block है और ये 10 kg का block है, तो 5 kg का block 10 kg के block को कैसे खींच देगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए या अगर हम रियल लाइफ की सिचुएशन लें तो ये जो सरफेस है ये परफेक्ट स्मूथ नहीं हो सकता, रफ होगा, एंड बिकॉज ऑफ रफनेस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ये आगे नहीं जाता है, जनरली ऐसा होता है, बट इट इज परफेक्ट स्मूथ बिकॉज ऑफ वेट, इस स्ट्रिंग में टेंशन होगा, ये टेंशन इस ब्लॉक को आगे खींचेगा, और अगर ये ब्लॉक को आगे खींचता है तो उसका अपोज करने वाला कोई फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट नहीं है, कोई अपोज नहीं कर रहा है, सिर्फ एक फोर्स लग रहा है इस पर टेंशन, तो अगर आप थोड़ा सा भी टेंशन लगाओगे तो ये ब्लॉक आगे आएगा ही, राइट। तो अगर ये 1 gram होता और ये 1000 kg होता तब भी ये ब्लॉक आगे की तरफ खिसकता, क्योंकि ये परफेक्ट स्मूथ, समझ रहे हो, रफ होता है तो फ्रिक्शन फोर्स अपोज करता है इसलिए वो आगे नहीं बढ़ता, राइट। तो एक बात तय कि आगे बढ़ेगा, और स्ट्रिंग टाइट है, एक ही स्ट्रिंग से जुड़ा है तो दोनों का एक्सीलरेशन सेम होना चाहिए। सबसे पहले प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, जो दोनों ब्लॉक्स हैं
उनका जो मोशन हो रहा है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं किधर मोशन हो रहा है, राइट। देन एफबीडी बनाओ दोनों का, वन की बात करें जिधर मोशन हो रहा है उस तरफ क्या फोर्सेस लग रहे हैं उसको देखो बस, इस पर टेंशन इधर लग रहा है टी, एक्सीलरेशन इसी डायरेक्शन में, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करो, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, जिधर एक्सीलरेशन हो रहा है उसी तरफ नेट फोर्स लेना चाहिए, टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, इसका एफबीडी बनाओ। मोशन की डायरेक्शन में इसका वेट फाइव जी और टेंशन अपोज करेगा एक्सीलरेशन नीचे, तो नेट फोर्स हमें नीचे की तरफ लेना है, दैट इज फाइव जी माइनस टी, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, सॉल्व कर लो तो एक्सीलरेशन हो जाएगा जी बाय थ्री, ठीक है, और टेंशन निकालना है हमें, और टेंशन निकाल लो टेन ए टेन बाय थ्री जी या हंड्रेड बाय थ्री न्यूटन टेंशन होगा। फिर क्या बताना है हमें, पुली पर जो सपोर्ट फोर्स लगाएगा उसकी बात करनी है, समझना, पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। अब याद करो मैंने कहा था कि अगर पुली से के ऊपर से थ्रेड जा रहा है तो आप थ्रेड का थोड़ा सा हिस्सा बनाओ जरूर, ठीक, ये थ्रेड है और ये रॉड इससे जुड़ी है जो कि इसका सपोर्ट, थ्रेड इधर भी था उस हिस्से को बनाओ, बिकॉज ऑफ टेंशन थ्रेड के मॉलिक्यूल्स दूर चले जाएंगे उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, तो ये थ्रेड का हिस्सा इस थ्रेड को नीचे खींचेगा विद टेंशन टी, ये हिस्सा इसको इधर खींचेगा विद टेंशन टी, थ्रेड नीचे भी इसको खींच रहा है और इस तरफ भी खींच रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स इस पुली पर इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, तो पुली पर रिजल्टेंट फोर्स इधर लग रहा है, तो पुली इस तरफ जाना चाहेगी, अगर ये सपोर्ट नहीं होता तो पुली इधर चली जाती, तो सपोर्ट उसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएगा, ठीक है, तो अगर आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे वेक्टर की मेथड्स, इधर भी टी है तो रिजल्टेंट 45 डिग्री पर होगा, ठीक है ना, और कितना होगा रूट टू टाइम्स टी, पाइथागोरस लगा तो इस पर रिजल्टेंट रूट टू टी इधर लग रहा है बिकॉज ऑफ पुली बिकॉज ऑफ थ्रेड, तो उतना ही फोर्स सपोर्ट लगाएगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, सो दैट ये इक्विलिब्रियम में रह सके, सपोर्ट ने फोर्स लगाया रूट टू टाइम्स टी, राइट, दैट इज इक्वल टू 100 बाय 3 रूट टू न्यूटन, 45 डिग्री पर ये फोर्स लगेगा, ठीक है, देखो ये दो ब्लॉक हैं जिनको थ्रेड से कनेक्ट किया है, थ्रेड इज पासिंग ओवर स्मूथ एंड लाइट पुली,
ठीक है। ब्लॉक वन जो है एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर रखा है जिसका एंगल है थीटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। हमें मासेस दिए हैं, राइट, इसका मास है m1 और इसका मास m2 है, ठीक है। आपको बताना है कि डिफरेंट सिचुएशन में इसका एक्सीलरेशन क्या होगा। मान लो इसका वेट ज्यादा हो जाता है या इसका फोर्स ज्यादा हो जाता है, तो ये नीचे आएगा और ये ऊपर की तरफ एक्सीलरेट करेगा। अगर ये बहुत हेवी हो जाता है तो उस केस में ये ऐसे स्लाइड करेगा नीचे और ये ऊपर की तरफ आएगा, और एक सिचुएशन में इक्विलिब्रियम भी बन सकता है, राइट। मान लेते हैं कि ये नीचे की तरफ आ रहा है और ये ऊपर की तरफ आ रहा है, उस केस में आपको एक्सीलरेशन बताना है दोनों ब्लॉक का, एक्सीलरेशन क्या होगा, ठीक है। मासेस लेना है m1 m2, याद रखना है जो इंक्लाइंड प्लेन है वो स्मूथ है, एंगल थीटा, सिस्टम को छोड़ दिया जाए तो एक्सीलरेशन क्या होगा, ठीक है। व्हाट इज एक्सीलरेशन, देखो यहां पर मैंने ऑलरेडी शो कर दिया है कि मोशन किस तरफ हो रहा है, ठीक है। तो हमें वो तीनों केसेस अभी नहीं लेना है, अभी सिर्फ देखो ये इधर एक्सीलरेट कर रहा है, ये इधर, दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा क्योंकि दोनों कॉमन थ्रेड से जुड़े हैं। याद रखो ये एक सिंपल सी बात है कि जिस तरफ एक्सीलरेशन हो रहा है, मोशन हो रहा है, उसको आप एक डायरेक्शन मान लो, तो उस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस से हमें मतलब होता है, उसके अलावा किसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वन की बात करूं, ब्लॉक वन पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ब्लॉक वन पर एक लग रहा है नॉर्मल फोर्स, ये सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट के नॉर्मल लगेगा इधर, ठीक है। एक है टेंशन फोर्स और तीसरा है वेट, एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में, जो वेट है वो नीचे की तरफ m1g, अब समझना एक्सीलरेशन इधर है तो इस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स से मतलब है, तो सीधी सी बात है नॉर्मल से तो मतलब है ही नहीं यार, तो भूल जाओ नॉर्मल को, पिक्चर से बाहर करो। अब वेट ना तो इस डायरेक्शन में लग रहा है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और ना ही नॉर्मल डायरेक्शन में लग रहा है, तो वेट के कंपोनेंट लेना पड़ेगा आपको क्योंकि वो किसी थर्ड डायरेक्शन में। और याद करो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जब भी कोई ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पर रखा है तो उसका वेट का एम जी साइन थीटा कंपोनेंट किधर लगेगा, इंक्लाइन प्लेन के अलाउंग, और mg cos थीटा जो है वो किस तरफ लगेगा, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो हमें किस कंपोनेंट से मतलब होना चाहिए, mg sin थीटा, ठीक है, क्योंकि mg cos थीटा नॉर्मल है, राइट। इनफैक्ट मास है उसका m1, तो मैं m1 ले रहा हूं, राइट। न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करो, तो एक्सीलरेशन इधर है, इस डायरेक्शन में लगने वाला नेट फोर्स इस ब्लॉक पर, टी आगे लग रहा है, टी इसको खींच रहा है और एम वन जी साइन थीटा पीछे खींच रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में क्या होगा, टी माइनस एम वन जी साइन थीटा, दैट इज नेट फोर्स, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ऐसे सेकंड ब्लॉक के लिए एफबीडी बनाओ, वेट नीचे m2g और टेंशन ऊपर, एक्सीलरेशन नीचे, न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करो, नेट फोर्स m2g नीचे खींच रहा है और टेंशन ऊपर खींच रहा है, तो रिजल्टेंट जो है नीचे इतना होगा, दैट इज इक्वल टू m2 है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, दोनों को ऐड कर दो, सो एक्सीलरेशन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो दैट इज m2 माइनस m1 साइन थीटा g
अपॉन एम वन प्लस एम टू, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है, हमने डायरेक्शन ली एक्सीलरेशन की, उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट मिला, दैट मीन्स एक्सीलरेशन पॉजिटिव आना चाहिए। तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव कब होगा? जब न्यूमरेटर पॉजिटिव। सीधा सा रिलेशन बनाया जा सकता है, इफ एम टू इज ग्रेटर देन एम वन साइन थीटा, अगर एम टू एम वन साइन थीटा से ज्यादा है उस केस में मोशन कैसा होगा? ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा और ये ऊपर जाएगा, ठीक है ना, ये टू है और ये वन, तो इसका मास एम टू एम वन साइन थीटा से ज्यादा हुआ तो एक्सीलरेशन इस तरह से होगा जो हमने शो किया, और अगर कम हुआ तो एम टू एम वन साइन थीटा से कम हुआ तो क्या होगा? एक्सीलरेशन की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। निगेटिव का मतलब होता है अपोजिट, ठीक है। तो फिजिक्स में अगर आप इस तरह का कोई प्रॉब्लम कर रहे हो और आंसर निगेटिव आ रहा है तो माइनस का मतलब आपने जो लिया जस्ट अपोजिट, इसका मतलब उस केस में मोशन कैसा होगा सिस्टम का, ठीक है, उस केस में ठीक है, उस केस में ब्लॉक टू ऊपर की तरफ जाएगा और ब्लॉक वन इधर आएगा, ठीक है। एम टू अगर छोटा एम वन साइन थीटा से तो इसका इधर मोशन होगा और इसका ऊपर की, और इसका तीसरा केस हो सकता है अगर एम टू एम वन साइन थीटा के बराबर हो गया तो क्या होगा? एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा। इन दैट केस एक्सीलरेशन इज जीरो, इसका मतलब कोई मोशन नहीं होगा, वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, आप उसको जहां छोड़ रहे हो उसी कंडीशन में रहेगा, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन है, आप समझ सकते हो। देखो इस तरह का एक दो इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, आपस में जुड़े हैं एक वेज के फॉर्म में, दोनों स्मूथ प्लेन है, दो ब्लॉक है वन और टू, दे आर कनेक्टेड थ्रू कॉमन थ्रेड पासिंग ओवर अ स्मूथ एंड लाइट पुली, ठीक है। तो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ वेट उनका मोशन होगा, या तो ये ऐसे आएंगे या फिर इस तरफ आएंगे, या तो टू इधर आएगा या फिर टू ऊपर की तरफ जाए। मास दिए दोनों के 10 और 8 केजी, ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री और 30 डिग्री। सबसे पहले तो आपको यह जज करना है
इनका मोशन किस डायरेक्शन में होगा, टू नीचे की तरफ आएगा या टू ऊपर की तरफ जाएगा, और उसके बाद एक्सीलरेशन बताना है. फाइंड आउट एक्सीलरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन. मासेस दिए. अब देखो, एक बात क्लियर है कि जो मोशन हो रहा है दैट इज अलोंग द इंक्लाइन. इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, मतलब इस लाइन में होगा या फिर इस लाइन, या तो ऊपर जाएगा या नहीं. तो आपको जो वेट है उसके कंपोनेंट लेना पड़ेगा, कौन सा, mg sin थीटा वाला कंपोनेंट, वो डिसाइड करेगा. राइट, अब समझ लो इस चीज को. m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो उस पर टेंशन इधर है और इस तरफ फोर्स लगेगा m1 g साइन थीटा. ठीक है, तो m1 g साइन थीटा कितना होगा बोलो, मास कितना दिया, 10 kg, 10 g साइन 30, साइन 30 इज हाफ. ठीक है, तो 5g, ये फोर्स इसको नीचे की तरफ खींच रहा है 5g. ऐसे अगर मैं बात करूं सेकंड ब्लॉक की, तो सेकंड ब्लॉक पर फोर्सेस लग रहे हैं, टेंशन इस तरफ और इस तरफ वेट का कंपोनेंट. तो वेट का कंपोनेंट क्या है, m2g sin थीटा, m2g sin थीटा. राइट, नाउ वेट, इसका मास कितना है, 8 kg, 8g sin 60, साइन 60 इज रूट 3/2, तो ये हो जाएगा 4√3g. ठीक है ना, 4√3, रूट 3 इज 1.73, डेफिनेटली 4√3 जो है दैट इज ग्रेटर देन 5. 4√3 इज ग्रेटर देन 5, इसका मतलब क्या हुआ बोलो, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इस पर लगने वाले फोर्स से ज्यादा है. इस पूरे सिस्टम की बात करें तो रिजल्टेंट फोर्स इधर लग रहा है, 2 पर लगने वाला फोर्स ज्यादा है 1 के मुकाबले, तो सिस्टम इस तरफ जाएगा. राइट, एक बात क्लियर होगी, इसका मोशन इधर होगा और इसका इस तरफ. तो डायरेक्शन आ गई हमारे पास. ठीक है, देन एक्सीलरेशन दोनों का सेम, दोनों के लिए न्यूटन्स लॉ अप्लाई करो. तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में नेट फोर्स इसके लिए तो क्या होगा, टी माइनस एम वन जी साइन थीटा, मतलब 5g, टी माइनस 5g इज इक्वल टू 10a, और इसके लिए 4√3g माइनस टी इज इक्वल टू 8a. इस पर लगने वाला नेट फोर्स इधर है 4√3g माइनस टी. राइट, दोनों को ऐड करो तो टी कैंसिल हो जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, देखो क्या होगा. तो 4√3 माइनस 5 अपॉन 18g, ये एक्सेलरेशन होगा दोनों ब्लॉक. ठीक है, तीन ब्लॉक है. ठीक है,
दो स्ट्रिंग से आपस में कनेक्टेड है, पुली इज लाइट एंड स्मूथ, थ्रेड भी मासलेस है राइट, और ये सरफेस स्मूथ है जहां पर ये ब्लॉक रखे हैं। तो एक्सीलरेशन बताना है तीनों ब्लॉक का और दोनों ही स्ट्रिंग में टेंशन बताना है। ये स्ट्रिंग में टेंशन T1 ले रहा हूं मैं और इसमें टेंशन T2। फाइंड आउट एक्सीलरेशन एंड टेंशन। अब एक तो तरीका है कि आप हर एक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ अलग से। एक और तरीका है कि हम जानते हैं कि तीनों एक साथ चल रहे हैं, ठीक है, तीनों एक साथ चल रहे हैं और मोशन को जो ड्राइव कर रहा है वो जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है, बिकॉज ऑफ वेट ऑफ थर्ड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक का वेट ही पूरे सिस्टम को नीचे खींच रहा है। तो ये सिस्टम है, सिस्टम एक साथ चल रहा है और इसका वेट नीचे खींच रहा है। इसका वेट कितना है, M3G, दैट इज 10 न्यूटन। That means 10 न्यूटन का फोर्स पूरे सिस्टम को नीचे खींच रहा है राइट। सभी मास एक साथ सेम एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहे हैं। टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स बाय मास, फोर्स लग रहा है 10 और टोटल मास है 10 kg, सो 1 m/s² ठीक है। नाउ यहां पर टेंशन चाहिए, ठीक है, इसको मैंने T1 का, तो T1 टेंशन ब्लॉक 1 को खींच रहा है। T1 इज इक्वल टू मास ऑफ दैट ब्लॉक 7 इंटू एक्सीलरेशन, 7 न्यूटन हो गया। ऐसे यहां का जो T2 टेंशन है ये दोनों ब्लॉक को खींच रहा है 1 और 2 को, तो T2 इज इक्वल टू टोटल मास 9 इंटू एक्सीलरेशन 9 न्यूटन, ठीक है।